हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिलीज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से एक पिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, ज्योतिषी और मनोज दे का। आप लोग साइड में देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज में क्लियर कर देना चाहते हो, यहाँ पर जो पिक दिखाया जा रहा है यहाँ पर मनोज दे का पिक ये बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर पर जो पिक दिखाया जा रहा है यहाँ पर ज्योतिषी महतो का पिक दिखाया जा रहा है। मैं मानती हूँ यहाँ पर ज्योतिषी महतो का ये जो पिक है, लेकिन इस पिक को एडिटिंग किया गया है। यहाँ पर इनके मांग में सिंदूर दिया गया है। सिंपली दोस्तों, ये चीज साफ साफ हम लोगों को पता चल रहा है। और दोस्तों, जो बंदा इस काम को किया है, मैं उसको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, अरे भाई अभी जो जमाना चल रहा है 2021 चल रहा है, 2000 साल पहले का जमाना नहीं है, जब हम लोग पत्थर में पत्थर घस घस कर आग जलाते थे। अभी जो है 2021 चल रहा है, अभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक चीज जानता है कौन सी रियल है कौन सी फेक है। यहाँ पर भाई जो भी कोई इमेज दिखा रहा है ना, ज्योति दीदी के मांग में जो सिंदूर दिया गया है वो बिल्कुल भी फेक दिखा रहा है, ये हर एक बंदा देख के समझ जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी कोई पर्सन इस काम को किया है ना, उसके घर में माँ बहन नहीं होगी, इसलिए वो इस काम को किया है। उसके घर में माँ बहन होता तो इस काम को नहीं कर सकता था। जो पर्सन इस काम को किया है ना, मैं उसको यही बोलना चाहती हूँ, अरे यार ज्योति दीदी की जगह पर अगर तेरा बहन होता तो क्या ये काम करता? बिल्कुल भी नहीं करता। सिंपली उस जगह पर तू खुद के बहन को लाके दे, तुझको कैसा फील होता? सिंपली तुझको बहुत ही बुरा लगता। तो ज्योति दीदी तो एक लड़की है, उसको कितना बुरा लगा होगा। इस काम को बिल्कुल भी कोई भी पर्सन को नहीं करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। और जो बंदा इस काम को किया है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ, अरे भाई तू जितना टाइम इस काम को करने के लिए लगा रहा है, वीडियो एडिटिंग या कोई भी अच्छे खासे तू काम कर सकता है, उस टाइम में तू खुद को फेमस बना सकता है, क्यों इन सारे चीज के पीछे तू लगा हुआ है? इन सारे चीज के पीछे तू लगा हुआ रहेगा ना, तुझको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपली तुझे क्या नाम नहीं मिलेगा, तुझे लोगों से गाली मिलेगा, ऊपर वाला से तुझे बद्दुआ मिलेगा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हो सकता है हम लोग नहीं देख रहा है, मनोज दे नहीं देख रहा है, ज्योति दीदी नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुझको इस जन्म में ही फल भुगतना पड़ेगा, इस चीज को तू ध्यान में रखना भाई। सिंपली इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। तेरे जैसे कुछ लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है, अभी घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते हैं, और यूट्यूब या कोई भी काम करने के लिए भी डरते हैं। 18 साल के पहले उसके माँ बाप उसको शादी करवा देते। ये जो सारे काम होते हैं ना, तुझ जैसे लड़कों के वजह से ही होता है। सिंपली मैं भी एक लड़का हूँ और मैं समझता हूँ इन सारे जो चीज होता है ना, ज्यादातर जो लड़का लोग ही करते हैं। तो मैं ज्योति दीदी से यही बोलना चाहती हूँ, अगर ज्योति दीदी अब मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो सब लोग समझते हैं, मैं समझती हूँ, हर एक बंदा बच्चे से लेकर बूढ़े सब समझता है कौन सी रियलिटी है कौन सी फेक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप यूट्यूब में काम करते रहिए। और मेरा वीडियो ज्योति दीदी देख रहा है तो मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, इस तरह के जो पर्सन होता है, एक ही चीज उनके दिमाग में रहता है, अरे यार लड़की होके इतना ज्यादा आगे तक जा रहा है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके पीछे क्या करे, ऐसे क्या करे वो पीछे रह जाए। तो इस चीज को करने के लिए वो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं उस बंदे को या जो भी कोई इस काम को किया है, जो भी कोई पर्सन, मैं इसको बोलना चाहता हूँ, अरे भाई तू इस काम को छोड़, तू खुद के ऊपर ध्यान दे, तू कॉन्सेंट्रेट कर अपने करियर के ऊपर, तू खुद को कैसे फेमस बना सकते इस चीज के ऊपर तू कॉन्सेंट्रेट कर। और तू जिस टाइम गलत काम करने के लिए लगा रहा है ना, मैं तुझको यही बोलना चाहती हूँ, उस टाइम को तो अच्छे काम में यूज कर, जिसे तो ज्योति दीदी से भी आगे निकल सके, मनोज दे से भी आगे निकल सके, टेक्निकल गुरुजी से भी आगे तू निकल सके, जिसे लोग तुझे पहचाने, तभी साबित होगा तू एक अच्छी पर्सन है। अगर तू इस तरह के काम करता है ना, कोई भी कुछ साबित नहीं होगा। तू जो एक काम कर रहा है ना, इससे तुझको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक चीज तुझको जरूर मिलेगा, वो है बद्दुआ, उसके माँ पापा की बद्दुआ, उसकी आंसू की बद्दुआ, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तुझे इसी जन्म में तुझे फल मिलेगा। और दोस्तों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यही चीज उस बंदे को बोलना चाहती हूँ, अरे भाई इस तरह की चीज मत कर, लड़कियों को भी आगे बढ़ने दे, तू भी आगे बढ़, कोशिश कर कि तू आगे बढ़ सके, लाइफ में नाम कमा सके, फेम कमा सके, इस तरह के चीज करने से तुझको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं सिंपली YouTube रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं इस वीडियो को बना दिया, इस वीडियो को देखकर भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और YouTube रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए YouTube रिलेटेड वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।